To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हम देखने जा रहे हैं बॉक्स जेंकिंस मेथडोलॉजी अरमा एंड अरीमा मॉडलिंग। मतलब ये उन टॉपिक्स में से है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि अरीमा ये मॉडलिंग फॉरकास्टिंग से, क्योंकि हमने फॉरकास्टिंग के टॉपिक्स को स्टार्ट किया। जैसे हमने इससे पहले कंडीशनल अनकंडीशनल पॉइंट इंटरवल एक्सपोस्ट एक्सेंटी फॉरकास्ट वो हमने देखा, स्टैटिक डायनामिक फॉरकास्ट देखा, फिर रिव्यूज़ में उसकी एप्लीकेशन देखी। अब हम देखने जा रहे हैं बॉक्स जेंकिंस मेथडोलॉजी ऑफ फॉरकास्टिंग। यही इसी के जो प्रोसीजर है उसमें जो मॉडल ड्राइव होते हैं वो अरमा और अरीमा मॉडल होते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम AR को समझेंगे। AR means ऑटो रेग्रेसिव। ऑटो रेग्रेसिव मॉडल क्या होता है ये हम अपने ARDL वाली वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें हमने ARDL कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। उसमें हम ये अच्छी तरह देख चुके हैं कि ऑटो रेग्रेसिव का मतलब क्या है। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ऑटो रेग्रेसिव एक ऐसे मॉडल को कहते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई और नहीं डिपेंडेंट का लैग होता है। ऐसा मॉडल आपके पास कहलाता है ऑटो रेग्रेसिव मॉडल। अच्छा, अब इसमें ये एक अलग बात है कि कितना लैग आपने कंसिडर करना है, 1 लैग लेना है, 2 लैग लेने हैं, 3 लैग, जितना भी लैग लेना है। तो ऐसा मॉडल जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट के ही लैग होते हैं, अब जितने भी चाहे लैग हों, ऐसा मॉडल कहलाता है ऑटो रेग्रेसिव मॉडल। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमने एज्यूम किए 2 लैग्स, लैग 1 t-1 और t-2, 2 लैग इस्तेमाल किए। तो हम यहाँ पर कहेंगे, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे AR2। AR2 मीन्स ऐसा ऑटो रेग्रेसिव मॉडल जिसमें 2 डिपेंडेंट के लैग इस्तेमाल किए, लैग 1 लैग 2 इस्तेमाल किया। इस तरह अगर मैं उसको जनरलाइज कर लूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ β1yt-1 up to yt-p+ error2। यानी pth ऑर्डर तक, ये तो सेकेंड ऑर्डर तक था ना, ये pth ऑर्डर तक। तो हम मैंने इस मॉडल को हम कह देंगे ARP मॉडल, क्योंकि बुक्स में जितनी भी हैं उनमें AR के साथ जो उसके ऑर्डर है उसके लिए p इस्तेमाल होता है। तो हमने भी यहाँ पर ये इस्तेमाल किया। तो ऑटो रेग्रेसिव pth ऑर्डर। तो अरमा अरीमा मॉडलिंग में जब हम आगे AR इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ अगर P इस्तेमाल करेंगे तो P का मतलब ये होगा कि उस मॉडल में कितनी ऑटो रेग्रेसिव टर्म इस्तेमाल हो रही है, यानी डिपेंडेंट के कितने लैग इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ आते हैं MA मॉडल। MA का मतलब होता है मूविंग एवरेज। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान और सादा सा था, हमें समझ में भी आ गया और हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डिपेंडेंट का लैग शामिल है तो आपने उसको कह दिया ऑटो रेग्रेसिव। मूविंग एवरेज मॉडल क्या होता है? देखिए, बाय डेफिनेशन मूविंग एवरेज मॉडल एक ऐसे मॉडल को कहते हैं जिसमें वेरिएबल किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, मॉडल के जो एरर होते हैं उसके लैग पर डिपेंड करता है। यानी β1ET-1 β2ET-2 अब ये इस पूरे मॉडल का एरर टर्म है, ये रैंडम एरर वाइट नॉइस। अब यहां पर क्या हुआ कि वेरिएबल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एरर पे, पास्ट एरर पे। वेरिएबल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? पास्ट एरर पे। अब यहां बात थोड़ी सी मुश्किल से समझ में आती है कि वेरिएबल को एक्सप्लेन करे, अच्छा कोई दूसरा वेरिएबल को एक्सप्लेन करे, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पास्ट एरर करंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करे, ऐसा कब होता है और क्यों होता है? देखें, याद रखें इसकी बात, आसान सी लॉजिक जहन में रखें कि जो एरर होता है ना, तो एरर की करेक्टरिस्टिक होती है एरर रैंडम होता है, एरर वाइट नॉइस होता है, एरर अनप्रिडिक्टेबल होता है। हमने ऑटो कोरिलेशन का जो लेक्चर हमने देखा तो उसमें हमने देखा था एरर शुड बी रैंडम, एरर रैंडम होना चाहिए।
लेकिन अगर रेंडमली कोई मिस्टेक हो जाती है किसी भी प्रोसेस में, किसी इंडिविजुअल से कोई गलती हो जाती है, तो अगर उस प्रोसेस में वो स्टेप दोबारा आएगा तो क्या वो इंडिविजुअल अगर रैशनल है, समझदार है, तो क्या गलती रिपीट करेगा? वो गलती रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट एरर फ्यूचर के वर्क को ज़्यादा बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इसी तरीके से यानी पुरानी गलती आने वाली वैल्यूज़ को सही कर देती है कि वो रिपीट नहीं होगा। इसी तरीके से यही लॉजिक यहाँ पर है कि यहाँ पर इस वेरिएबल को हमने फॉरकास्ट करना है और इसके लिए हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, प्रीवियस और लैग्ड एरर वैल्यूज़, एरर टर्म्स। ये लॉजिक है जिसमें हम कहते हैं कि वेरिएबल डिपेंड करता है किसके ऊपर, पास्ट एरर पे, करंट एरर पे, इसलिए कि वो तो उस वक्त सही हो नहीं सकता। हाँ, पास्ट एरर के थ्रू हम फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऑटो रेग्रेसिव तो समझ में आ रहा है कि ऑटो रेग्रेसिव खुद ही इंडिपेंडेंट बना हुआ है लैग के साथ और फिर रेग्रेस हो रहा है तो ऑटो रेग्रेसिव हो गया। अब इसको मूविंग एवरेज क्यों कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मूविंग एवरेज के लिए एक छोटी सी बात ध्यान में रख लें। मूविंग एवरेज दो तरीके से निकलते हैं, एक रोलिंग, एक रिकर्सिव। रोलिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे 10 वैल्यूज हैं, अगर ये मुझे 5 ईयर या 5 मंथ मूविंग एवरेज चाहिए, मीन चाहिए, तो मैं 5 वैल्यूज ले लूंगा, फिर ऊपर की एक छोड़ूंगा, नीचे की एक शामिल कर लूंगा, फिर ऊपर की एक एक्सक्लूड करूंगा, फिर एक इंक्लूड करूंगा। तो इस तरीके से 5-5 वैल्यूज आती रहेंगी। अब जो मीन आएगा इन 5-5 वैल्यूज का, वो मूविंग एवरेज कहलाएगा विद रोलिंग मेथड, रोलिंग से। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास ये 10 वैल्यूज हैं, पहला मैंने निकाला 5 वैल्यूज का, फिर मैंने निकाला 6 का, फिर मैंने निकाला 7 का, फिर 8। अब यहां पर सिर्फ ऐड कर रहा हूं, एक्सक्लूड नहीं कर रहा। तो ऐसा जो मूविंग एवरेज निकलता है इसे कहते हैं रिकर्सिव एस्टिमेट्स। ये रिकर्सिव है, याद रखिएगा। यहां पर ये जो एरर के लैग हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, ये एरर के लैग रिकर्सिव फॉर्म में है और ये एरर के मूविंग एवरेज को शो कर रहे हैं। ये एरर के लैग किस फॉर्म में है, रिकर्सिव फॉर्म में, यानी t-2 t-1। ये मूविंग एवरेज है किसका, एरर का। ये क्या शो कर रहे हैं, मूविंग एवरेज किसके, एरर के। और एरर के मूविंग एवरेज डिपेंडेंट के मीन से, एरर का मूविंग एवरेज डिपेंडेंट के मीन से मिलकर वाई का मूविंग एवरेज बता रहा है। एरर का मूविंग एवरेज डिपेंडेंट के मीन से मिलके डिपेंडेंट वेरिएबल का मूविंग एवरेज प्रिडिक्ट और फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से हम इस तरह के मॉडल को क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज मेथड। ये एक्सप्लेनेशन बहुत सारी किताबों में बहुत छोटे से एक आध लाइन लेके वो आगे निकल जाता है, लेकिन ये एब्रीविएशन, वाई इट इज एब्रीविएटेड एज MA और मूविंग एवरेज मॉडल, उसकी वजह क्या है कि ये एरर टर्म के जो लैग्स हैं, ये बेसिकली एरर इनके मूविंग एवरेजेस हैं रिकर्सिव फॉर्म में, और वो मूविंग एवरेज डिपेंडेंट के मीन के साथ मिलकर इसके मूविंग एवरेज को फोरकास्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हम इस मॉडल को कहते हैं मूविंग एवरेज मॉडल। अच्छा, अब मूविंग एवरेज हो गया, अब इसके लिए हम जिस तरह इसके लिए हम AR इस्तेमाल करते हैं, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं MA। और यहां पर एरर के कितने लैग लिए हैं, 2 लैग लिए हैं, तो MA2। लेकिन अगर मैं इसी को जनरलाइज कर लूं, et-1 up to et-q beta q plus error term। अब हुआ यह कि एरर के कितने लैग इस्तेमाल किए, क्यों लैग इस्तेमाल किए, तो याद रखिएगा इस वक्त ये हम कहेंगे इसको MAQ मॉडल, यानी क्यूथ ऑर्डर तक वो लैग हम एरर के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, नंबर 1 ऑटो रेग्रेसिव एंड नंबर 2 मूविंग एवरेज। यहां तक क्लियर करने के बाद अब हम जाते हैं बॉक्स जैंकिन की एजम्पशन की तरफ। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजम्पशन।
जो बॉक्स जेंकिन मेथोडोलॉजी की जो एक बेसिक एजम्पशन है वो ये है कि वेरिएबल मस्ट बी स्टेशनरी, वेरिएबल मस्ट बी स्टेशनरी, वेरिएबल स्टेशनरी होना चाहिए। अगर वेरिएबल स्टेशनरी नहीं है तो आप बॉक्स जेंकिन के प्रोसीजर को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए वेरिएबल स्टेशनरी होना चाहिए। अगर वेरिएबल स्टेशनरी नहीं है तो स्टेशनरी बनाकर इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आप इसके प्रोसीजर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बॉक्स जेंकिन को यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात हम अपने स्टेशनरी वाले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि कुछ वेरिएबल लेवल पर स्टेशनरी होते हैं, कुछ वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस लेकर स्टेशनरी होते हैं। जो फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी होते हैं, जो वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी होते हैं वो कहलाते हैं I1, यानी इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर वन, इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर वन। ये आपके पास अगर आप फर्स्ट डिफरेंस, जरा सेकंड डिफरेंस पे भी हो सकता है इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर टू। तो क्या हुआ कि इसकी एजम्पशन क्या है कि वेरिएबल शुड बी और मस्ट बी स्टेशनरी, अगर नहीं है तो स्टेशनरी बना के इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये अरमा और अरिमा में क्या फर्क है। अरमा एक और दूसरा हमने कहा एम ए और हम यहां आई लगाते हैं। दिस इज अरमा एंड दिस इज अरिमा। देखिए, हमें पता था कि अगर हमें ए आर का ऑर्डर पता लगे कि मॉडल में कितना ए आर की लैग इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑटो रेग्रेसिव लैग कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो हमें पता लगेंगे किससे, क्यू से। तो हमारे पास क्या मॉडल था, पी से, ए आर पी। इसी तरह एम ए का पता लगे तो हमने कहा कितने एरर के लैग इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमने कहा एम ए क्यू। तो अगर अरमा लिखेंगे तो उसके साथ हम लिखेंगे पी क्यू। अरमा पी क्यू का मतलब होगा पी शो करेगा ए आर के नंबर ऑफ लैग को, क्यू शो करेगा एरर के लैग को कि कितने आप एरर के लैग इस्तेमाल कर। याद रखिएगा, ये अरमा हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब वेरिएबल कैसा होगा, स्टेशनरी होगा। आपको मजीद कुछ स्टेशनरी बनाने के लिए कुछ करना है, करने की जरूरत नहीं है, कोई डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेट सपोज अगर वेरिएबल ऐसा है, अक्सर इकोनॉमिक फाइनेंस के वेरिएबल नॉन स्टेशनरी होते हैं, तो जब उनको फॉरकास्टिंग पे जाते हैं तो वो नॉन स्टेशनरी मिलते हैं। तो अगर आप ऐसे वेरिएबल को फॉरकास्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि क्या नहीं है, स्टेशनरी, तो यकीनन आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर वन पे जाकर वो स्टेशनरी होगा, या ऑर्डर टू पे जाके, जब भी जाके वो स्टेशनरी होगा। तो ऐसी सूरत में जब आपको वेरिएबल स्टेशनरी करना पड़े, तो जैसे ही आपको वेरिएबल स्टेशनरी करना पड़ेगा आप वो इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, या तो वन या टू या थ्री। तो ऐसी सूरत में अब अरमा इस्तेमाल नहीं होगा, आप इस्तेमाल क्या करेंगे, अरिमा मॉडल, ऑटो रेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। अच्छा, ये कैसे, इसके पॉइंट शो किए जाते हैं, ये ऐसे शो किए जाते हैं, ए आर पी इंटीग्रेटेड, कौन सा ऑर्डर इंटीग्रेटेड है, फर्स्ट एक डिफरेंस लेना पड़ा, सेकंड डिफरेंस लेना पड़ा, तो इसको हम शो करते हैं डी से, और फिर एम ए का आ गया क्यू। तो यहां पर क्या है, ऑटो रेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, पी शो कर रहा है ए आर के लैग को, डी शो कर रहा है कि कितना इंटीग्रेटेड यानी कितना ऑर्डर डिफरेंस लेने के बाद वो स्टेशनरी हुआ है। तो आपने कहा आई का ये डी को शो कर रहा है कितने इंटीग्रेटेड, फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस, और एम ए क्यू शो कर रहा है एम ए के आपने कितनी टर्म इस्तेमाल की है। तो आई रिपीट, अरमा मॉडल हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब वेरिएबल आपके पास स्टेशनरी होगा, तो अरमा पी क्यू आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर वेरिएबल स्टेशनरी नहीं है, आपको उसको स्टेशनरी बनाना पड़ेगा, तो जब स्टेशनरी बनाना पड़ेगा तो ऐसी कंडीशन में आप फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस लेंगे, तो वहां पर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब वेरिएबल को आपको स्टेशनरी बनाना पड़े, तो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे अरिमा मॉडल, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पी डी और क्यू से। पी शोज नंबर ऑफ लैग इन ऑटो रेग्रेसिव, डी शोज इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस, एंड क्यू शोज द लैग ऑफ एरर टर्म इन एम ए मॉडल। तो यहां तक आपके पास एजम्पशन थी, वेरिएबल मस्ट बी स्टेशनरी, अगर वेरिएबल स्टेशनरी ना हो
तो आपको उसको स्टेशनरी बनाना पड़ेगा। अगर स्टेशनरी वेरिएबल को फॉरकास्ट कर रहे हैं बॉक्स जेंकिंस से अरमा अरिमा मॉडलिंग से, तो फिर आपको डायरेक्ट अरमा मॉडल इस्तेमाल करें पी क्यू। और अगर वेरिएबल स्टेशनरी नहीं है, आपको स्टेशनरी बनाना पड़ेगा, तो ऐसे में अरिमा इस्तेमाल करेंगे पी डी एन क्यू। पी शोज ए आर के कितने ऑर्डर पर जा रहे हैं, आई डी शोज कितने इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर है, और क्यू शो कर रहा है एम ए के कितने आर के लैग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक एग्जम्पशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो है उसमें हम इसके पूरे प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।